दोस्तों नमस्कार, आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले मलेरिया को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और घरेलू सन उसका। अगर आप लोगों को बुखार रोज आता है, तीसरे दिन आता है, या आपको लगातार कई महीने तक बुखार मलेरिया का हो चुका है या हो रहा है, तब यह सभी समस्या सिर्फ इस नुस्खे से दूर होने वाली है। दोस्तों नुस्खा यह सबका जाना माना नुस्खा है, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त नुस्खा है। अगर आप इस नुस्खे को 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का मलेरिया किसी भी प्रकार का हो, यानी कि रोज आने वाला हो, दूसरे दिन या परमानेंट या आपको होने वाला हो, वह बिल्कुल बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। आपको सबसे कॉमन लक्षण होता है मलेरिया में आपको ठंड लगने लगती है, आपका शरीर कांपने लगता है और आप लोगों के जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वह बहुत ही ज्यादा कम होने लगती है। दोस्तों वह मच्छर हमारे बॉडी के अंदर अपना संक्रमण छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह संक्रमण हमारी बॉडी के अंदर कार्य करने लगते हैं और हमारी जो प्लेटलेट होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, उन्हें नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरा होने लगता है। दोस्तों जब बॉडी के अंदर से प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है तब बॉडी के जितने भी सुराख होते हैं कहीं से भी ब्लड यानी कि खून निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए मलेरिया सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। दोस्तों इसे दूर करने के लिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा नुस्खा लेकर आए हैं। अगर आप इस नुस्खे का 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का मलेरिया की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप लोगों के प्लेटलेट की संख्या भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आप लोग को इस खतरे से बच सकते हैं। दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है तो आप अपने नजदीक डॉक्टर से या सरकारी हॉस्पिटल में जरूर संपर्क कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में। दोस्तों वह नुस्खा है पपीते के पत्ते। आप लोगों ने पपीता सुना होगा और आप लोगों ने पपीता खाया भी होगा, कच्चा या पक्का जरूर खाया होगा। दोस्तों आप लोग को पपीते के पत्ते 4 से 5 लेकर आने हैं और उन्हें अपने घर लाकर पूरी साफ सुथरी तरीके से उन्हें साफ कर लेना है, क्योंकि पपीते के पत्ते के पीछे बहुत ही कीटाणु और जानवर जाले जाले से बहुत ऐसे कीटाणु लगे होते हैं जो आप लोग को नुकसान दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर लाकर उसे साफ सुथरा कर लीजिए, पानी से धो लीजिए, फिर आप उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी की सहायता से आप उसे सारे को मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालकर 4-5 पत्ते डालकर उसे मिक्स ग्राइंडर में कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसे बाहर निकाल लीजिए और उसे छलनी की सहायता से या कपड़े की सहायता से छान कर सुबह और शाम अगर आप 1-1 गिलास पीते हैं तो आप लोगों को पहली खुराक से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। दोस्तों यह नुस्खा इतना जाना माना नुस्खा है, यह बहुत ही ज्यादा पुराना नुस्खा है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए सबसे तेज काम करने वाला यही नुस्खा होता है। दोस्तों मेडिकल में आपको रियल जूस दिया जाता है, जब मलेरिया हो जाता है तब आप लोगों को रियल जूस दिया जाता है, वह भी यही काम करता है। दोस्तों इस नुस्खे को आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, यह बहुत अच्छा और घरेलू नुस्खा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के काम किया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर बताए गए कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर भी अपने घर यह प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, हम आप लोगों के घर तक भी दवाई पहुंचा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।